बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान है और वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल स्कॉर्पियन गैंग के ऊपर। अच्छा जी, तो हमने यूट्यूब अकाउंट बनाने से लेकर वॉच टाइम की कुछ ट्रिक्स सारी वीडियोस बनाई और होप्स हो कि आप लोगों ने देख ली होंगी। अब बात जो एक उसमें रह गई थी वो मेन पॉइंट है कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स। अच्छा जी, तो सब्सक्राइबर्स एक बहुत ही मेन पॉइंट है आपके यूट्यूब चैनल में। सब्सक्राइबर का बहुत अहम रोल है और सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे तो व्यूज़ नहीं होंगे, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। उसके लिए भी रिक्वायरमेंट है, 1000 सब्सक्राइबर्स आपके होने लाजमी हैं। तो आज की जो वीडियो है मैं आपको बताऊँगा इसमें कम्प्लीटली कि आप लोग सब्सक्राइबर्स यूट्यूब के कैसे ले सकते हैं, सब्सक्राइबर्स लेने के क्या क्या तरीके हैं, किन तरीकों से लोग सब्सक्राइबर्स लेते हैं अपने चैनल्स पे। तो मैं आज आप लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में कम्प्लीटली। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को आप लोगों ने कम्प्लीटली देखना है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो सब्सक्राइबर्स लेने का सबसे पहला तरीका है जो बहुत सिंपल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें सबसे पहले पर आता है सब फॉर सब। सब फॉर सब, अगर बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते ये क्या है। अच्छा, ये प्रोसीजर है कि आप लोग एक बंदा है उसके साथ आप डील करते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर चैनल्स हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पर लोग सब फॉर सब के लिए वो ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये कुछ ग्रुप्स हैं फेसबुक के जो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए बने हैं ताकि लोग यहाँ पर आएँ और सब फॉर सब कर सकें एक दूसरे के साथ। तो सब फॉर सब है क्या कि आप ग्रुप में जाएंगे, कोई पोस्ट कर देंगे तो आपके कमेंट्स में लोग आ जाएंगे, जी जी मैं सब फॉर सब करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग आप उनको मैसेंजर पर मैसेज कर देंगे, तो मैसेजेस में आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि हम लोगों ने कैसे सब्सक्राइब करना है, वॉच करना है पहले और फिर सब्सक्राइब करना है, कितने मिनट तक वॉच करना है। तो ये सारा कुछ डिसाइड करने के बाद आप अपना लिंक उसे दे देंगे, वो अपना लिंक आपको दे देगा। तो इससे क्या होगा, आप उसका चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वो आपका चैनल सब्सक्राइब करेगा। इसको कहते हैं सब फॉर सब। तो ये सबसे जो सिंपल वे है ना और फ्री ऑफ कॉस्ट वे है, इसमें आपकी मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी लेकिन आप लोग बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इकट्ठे कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला वे, पहला तरीका जो है सब्सक्राइबर्स लेने का। और जो मेन दूसरा तरीका है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, इसमें आप लोगों को पे करना पड़ेगा। आप अगर पे कर भी रहे हैं तो आप लोग इसे ऐसे समझ लें कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में आप पैसा लगाते हैं तो इन रिटर्न आप प्रॉफिट समेत अपना पैसा वापस लेते हैं। तो ये कुछ इसी तरह से होगा ये तरीका, आप लोग सब्सक्राइबर्स बाय कर सकते हैं। लेकिन सब्सक्राइबर्स बाय करने में प्रॉब्लम क्या है, आप सब्सक्राइबर बाय कर लेंगे, नॉन ड्रॉप मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं मार्केट में, हर जगह से बहुत सारे लोग हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उससे मेन प्रॉब्लम ये है कि आपके ये जो सब्सक्राइबर्स हैं ये डेड सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि ये सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं एक दफ़ा आपका चैनल सब्सक्राइब हो गया, ये आपको कंटिन्यूसली व्यूज़ नहीं देंगे, आपकी ऑडियंस नहीं होंगे, ये डेड सब्सक्राइबर्स हैं। आप लोगों ने फ़र्ज़ करें 1000 बाय किए हैं, 2000 बाय किए हैं तो आपने मोनेटाइजेशन के लिए वो जो रिक्वायरमेंट है उसको आप लोगों ने पूरा कर लिया है लेकिन आपको व्यूज़ इससे नहीं आएंगे। तो ये भी बड़ी बात है कि आप अगर चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उससे ये कि आपका मोटिवेशन जो है वो हाई होता है, मोटिवेशन बूस्ट होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि चैनल मोनेटाइज हो गया, आप और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो इन दोनों तरीकों की जो भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने आप लोगों को दी है। अब डिसाइड आप लोगों ने करना है कि आप इन दोनों में से कौन सा तरीका चूज़ करते हैं और कैसे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं। तो मैं पर्सनली अगर पूछूँ सब फॉर सब मैं ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करता, उसकी वजह यह है कि इसमें प्रॉब्लम बहुत होती है, आप मेहनत करते हैं लेकिन अगले बंदे का आपको पता नहीं है कि वो आपका चैनल कब अनसब्सक्राइब कर देगा। आपने 100 बंदों से सब्सक्राइब करवाया, 100 का सब्सक्राइब किया, अब उसमें से 50 चले गए हैं, आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन से 50 गए हैं। तो इसमें मेजर प्रॉब्लम ये है, लेकिन आपके सब्सक्राइबर्स आते हैं, ये नहीं है कि आपके सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। तो जो दूसरा वे मैंने बताया था वो आपको बाय करने पड़ेंगे सब्सक्राइबर्स,
आप सब्सक्राइबर खरीद सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी किसी का नहीं पता कि कौन जेन्युइन सेलर है तो आप लोग मेरे से भी बाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, आप नॉन ड्रॉप ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स आपको मिलेंगे जो आपके ड्रॉप नहीं होंगे। लेकिन मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये डेड सब्सक्राइबर्स होते हैं, इनसे आप ये ना हो कि बाद में मुझे कहें कि व्यूज़ नहीं दे रहे और इस तरह उस तरह, तो ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स होंगे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, मेरे से नहीं बाय करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी बाय कर लें, किसी जेन्युइन सेलर से बाय करें जो ये ना हो कि आपकी पेमेंट लेके आपको सब्सक्राइबर्स ना दे, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, तो पैसे भी ज़ाया होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी वीडियो थी जिसमें मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझाऊं कि आप सब्सक्राइबर्स किस तरह ले सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था वॉच टाइम के बारे में, व्यूज़ के बारे में, अब ये वीडियो थी सब्सक्राइबर्स के बारे में। इंशाल्लाह इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूँगा। एक दफ़ा फिर से आपको आपके सामने रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।